नमस्कार। जम्मू कश्मीर में लगातार आप देख रहे हैं किस कदर आतंकवाद जो है फिर से एक बार पनपने का प्रयास कर रहा है। जहां पर एक तरफ भारत सरकार प्रयास कर रही, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है आतंकवाद को। हाल ही में अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों की अगर पीछे जाए, पुंछ से लेकर राजौरी तक लगातार आपने देखा किस तरह आतंकवादी घात लगाए होते हैं, और जिसमें कई सारे हमने अपने जवानों को भी खोया और कई सिविलियन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर बात करें कल अनंत के कोकरनाग इलाके की, जहां पर हमने अपने 3 वीर योद्धाओं को यानी कि खोया है, और एक अगर जोरी की बात करें पिछले दिन लगातार अब फिर से वहां पर आतंकियों ने अपना यानी कि कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें एक यानी कि आर्मी का यानी कि लैब्रा फीमेल डॉग जिसने अपने हैंडलर को बचाते हुए उन्हें मार्गदर्शन करते हुए अपनी शहादत दे दी। तो जिस तरह से बताना चाहेंगे आपको कि इसी के चलते अगर कल की बात करें तो लगातार पूरे जम्मू की अगर बात करें, जम्मू के अलग अलग एरियाज में आपको इस तरह के रोष प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा और दूसरी तरफ शिवसेना ने कई संगठन अब सामने और युवा राजपूत सभा ने लगातार इसे कंडेम किया, और वहीं दूसरी तरफ फिर से अगर बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर यानी कि चिंता जताई और साथ ही साथ उन परिवारों के साथ यानी हमदर्दी जताई और इसका यानी कंडेम किया कि जिस तरह से 3 वीर योद्धाओं की जान गई, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर और एक DYSP यानी कि हिमायो, और कल उनके घर पर कई सारे कश्मीरी नेता भी पहुंचे ताजियत के लिए। और बताना चाहेंगे उसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है साफ तौर पर कि अभी भी जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं हुआ है, और अगर बात करें शांति के लिए बात करना पाकिस्तान से बड़ा ही जरूरी है। बार बार महबूबा मुफ्ती और अमर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर कहीं ना कहीं कई बार जो है सुर्खियां यानी ये कहेंगे कि एक हंगामा बरपा होता है इन बयान को चलते, और भाजपा जमकर इन पर पलटवार करती है। उसी के चलते बताना चाहेंगे आपको कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से एक बार कहा है कि जो बातचीत से जो सिलसिला होगा, जो शांति आएगी, वो इस तरह से अगर बात करें यही चीजें रही, इसी तरह से रहा, अगर बातचीत नहीं गई तो विनाश की ओर जम्मू कश्मीर या देश बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, केवल बातचीत से ही शांति सुनिश्चित कर सकती है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। संवेदना व्यक्त करने के लिए यानी कि हुमहुमा में पुलिस अधीक्षक DYSP के आवास पर गए। बताना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और केवल बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है जिससे शांति को सुनिश्चित किया जा सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हुमहुमा में पुलिस यानी के जो DYSP थे हिमायू मुजामिल भट्ट के आवास का दौरा किया, जो कल शाम अनंतनाग के एक यानी के मुठभेड़ में बताना चाहेंगे कोकरनाग के मुठभेड़ में जो वीरगति को प्राप्त हुए। वरिष्ठ यानी पत्रकारों से बातचीत करते हैं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, जिसकी बार बार भारत सरकार जिसका दावा करता है कि आतंकवाद खत्म हो चुका है। जब उन्होंने कोई काम नहीं करना होता तो साफ तौर पर उन्होंने कटाक्ष भी करते हुए कहा कि जब कोई सरकार ने काम नहीं करना होता तो कहते हैं अभी माहौल ठीक नहीं, और जब कोई काम करना होता है अपनी मर्जी तो कहते हैं कि अब हालात सामान्य है। उसी के चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा कि बातचीत ऐसा रास्ता है कि जिसकी वजह से शांति को सुनिश्चित किया जा सकता है। बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना हम शांति हासिल नहीं कर सकते, दुश्मनों से लड़ने के लिए विनाश हो सकता है और यूक्रेन इसका आदर्श उदाहरण है। साफ तौर पर उन्होंने यूक्रेन की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कहा कि अगर लड़ना ही है यानी कि अगर लड़ने से ही केवल यह बताया उन्होंने दुश्मनों से, अगर लड़ाई ही एक रास्ता है तो यह विनाश की ओर ले जा सकता है, ये विनाश इसका कारण है, तबाही इसका कारण है। पर हाँ उन्होंने कहा कि इसका एक जीता जाता सबूत जो है यूक्रेन है, और यूक्रेन की तरह हालात ना हो इसीलिए उन्होंने कहा कि बातचीत से ही शांति को बनाया जा सकता है, शांति को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कल की जो घटना हुई, जिस तरह से हमने वीर योद्धाओं को खोया है, उसी के चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, और जहां पर एक तरह
और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, पाकिस्तान पर लगातार उन्हें यानी कि यहाँ पर जो आम जनता है यानी कि आम लोग है, आज जिस तरह से तीन वीर योद्धाओं को यानी वीर गति को प्राप्त हो, हर देशवासी की आंख नम है। और वहीं पर कई सारे संगठन जो है सामने आ रहे और कह रहे पाकिस्तान अब समय आ गया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि शांति को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना बड़ा ही जरूरी है, अन्यथा ये उन्होंने कहा कि विनाश की ओर जम्मू कश्मीर यानी कि जरूर चला जाएगा। जिस तरह से उन्होंने जीती जागती मिसाल जो है यूक्रेन का उदाहरण देकर कहा कि अगर इसी तरह से लड़ना ही है दूसरे देश के साथ तो कहीं ना कहीं विनाश की ओर जाएगा, अगर बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं हम शांति को सुनिश्चित कर पाएंगे, शांति को बहाली करा पाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर किस तरह से बाकी नेता या बाकी पार्टियां लेती हैं वेला फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा, पर फिलहाल जब भी इस तरह के बयान महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देते हैं तो उन्हें सवालों के घड़घड़े में खड़ा कर देती है भाजपा। अब देखना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर किस तरह से, जिस तरह से हाल ही में कुछ देर पहले अशोक गुप्ता जी ने भी कहा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि अगला मैच पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान हमारे वीर योद्धाओं को शहीद करता है और हम वहां जाने की बात करते हैं, वहां जाकर अपना यानी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने की बात करते हैं और जो लोग कहते हैं बातचीत करें और वो लोग हमारे योद्धाओं को हमारे सेना के जवानों को शहीद करें और हम उनके बातचीत का रास्ता अपनाएं। ये अशोक गुप्ता का कहना था। उनका ये भी कहना है कि 61 और 65 की लड़ाई यानी उसी तरह से पलटवार करना होगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा पाकिस्तान को। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को जो उन्होंने कहा कि शांति अगर बहाल करनी है तो डायलॉग यानी कि प्रॉपर डायलॉग बातचीत से ही शांति को सुनिश्चित किया जा सकता है, तो अगर लड़ना ही है तो ये विनाश की ओर लेकर जाएगा। अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।